आज आप लोग पहुंचे हैं। आज हम लोग पहुंचे हैं, जस्ट अभी हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं, अभी पेपर जमा कराना है। रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री के स्तर से प्रयास है, पर कुछ सरकारी नुमाइंदे मानो हम नहीं सुधरेंगे की जिद पकड़ रखी है। पटना जिला मोटरयान निरीक्षण कार्यालय का है, जहां बुधवार को राग यादव नामक व्यक्ति द्वारा उसके ट्रैक्टर के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए टैक्स भरा गया, मगर वहां मौजूद एक कर्मचारी द्वारा उनके 1500 की मांग की गई। राजकमल द्वारा विरोध जताया गया, बाद में माहौल बदल गया। स्थिति बिगड़ती देख रिश्वत की मांग करने वाले ने खिसकना चाहा, मगर भाजपा नेता रमेश हांसदा ने वहां आकर मामले को शांत करवाया। क्या बात कर रहे थे, पैसा मांग रहे थे आपको, ऊपर बोल रहे हैं ऐसा नहीं मांग रहे थे, तो इधर देख के तो बोलिए, नहीं बोलना है। एक टोकन फेल था ट्रैक्टर का, हमने ट्रैक्टर को फिटनेस कर दिया, उसका टेस्ट टोकन भी जमा कर दी। ये मेरे पास टेस्ट टोकन का बिल है दिया था, जमा करने के बाद मैंने ये फिटनेस का बिल जमा कर दिया। इसके बावजूद हमारे जो यहाँ परिपूर्ण मोटरसाइकिल निरीक्षक हैं अजीत कुमार के कर्मचारी, मुझे 1500 रुपया एक्स्ट्रा मांगा गया। क्या चीज का? बोलते हैं गाड़ी का पैसा एक्स्ट्रा तुम लगेगा यहाँ पर ही, पैसा दीजिए। क्या चीज के लिए एक्स्ट्रा मांग रहे थे? घूस मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं। उषा मार्टिन के पास अगवा वाहन की चपेट में आकर पानू महतो नामक व्यक्ति घायल हो गया, वह सब देता। पानू महतो को घायल अवस्था में MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से ठोकर मार दिया। था मार के उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, वो बोला तुम्हारा भी कहाँ एडमिट कर दिया। कौन वाला मारा था? गाड़ी वाला तो हम देखने आए थे, चाचा जी आए थे पहले, तो सुबह का आए। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर तिलक पुस्तकालय में कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया। कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती याद किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विजय खान के अलावा अन्य नेता भी मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं उनके बताए पदचिन्हों पर चलने का प्रण लिया। हम लोगों ने उनको पुष्पांजलि दिया, उनको याद किया, और कांग्रेस परिवार, जिला कांग्रेस कमेटी हमेशा उनके कहे हुए, उनके बताए हुए, उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करेगा। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आदित्यपुर के 111 सेव लाइफ अस्पताल में डॉक्टर ओपी आनंद ने अपनी टीम 8 घंटे 8 मिनट में 7 महिलाओं के बच्चेदानी का सफल ऑपरेशन कर रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपने क्लिनिक में संवाददाताओं को जानकारी दी। इस बार हिस्टेरेक्टोमी के ऑपरेशन के संदर्भ में एक नया लाइन हमने खड़ा किया। पूर्व में हमने 6 ऑपरेशन किए लगातार, और रिकॉर्ड टाइम हमारा था 4 घंटे 32 मिनट, और इस बार हम लोगों ने उसको 7 ऑपरेशन कर दिया। 7 ऑपरेशन 5 घंटे 8 मिनट के अंदर हम लोगों ने किया है। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विकलांगों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर सरनाले के बाहर प्रदर्शन किया। विश्व विकलांग दिवस के मौके पर आर्थिक विकलांग अधिकार मंच के बैनर तले विकलांगों ने अपनी मांगों को बुलंद किया। उनका नेतृत्व कर रहे धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि विकलांगों को सहानुभूति नहीं बल्कि अधिकार चाहिए। विकलांगों को 1000 रुपये भत्ता देना होगा, एससी एस टी के तट पर विकलांग को प्रभावी बनाना होगा। आज हम लोग विकलांग
सरकार के द्वारा जो व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और आज हम लोग 6 सूत्री मांग को लेकर उपायुक्त के माध्यम से महामहिम प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और हम लोग का मुख्य मांग है ST/ST Act के तर्क पर विकलांग प्रभावी बनाना होगा और 1000 रुपया मासिक भत्ता विकलांगों को पेंशन देना होगा। पूर्वी भारत के सबसे बड़े नृत्य प्रतियोगिता बॉर्न टू डांस के लिए जमशेदपुर में ऑडिशन 9 दिसंबर को चैंबर भवन में होगा, इसकी तैयारी चल रही है। 12 जाएंगे, बट इफ ग्रुप हैज 10 तो 40 जाएंगे। सर जिसमें कि अलग अलग स्टेट के लोग कम्पीट करेंगे। ठीक है सौरभ, डांस डांस फाइनलिस्ट का बंदा हूँ मैं और विवेक। डांस कॉम्पिटिशन हम लोग ईस्ट इंडिया बेसिस में करवा रहे हैं, उसका नाम है बॉर्न टू डांस। हम चाहते हैं कि जिस तरह हमें अपॉर्चुनिटी मिली है स्टेट लेवल से जाके नेशनल परफॉर्म करने का और कम्पीट करने का, हम चाहते हैं कि हर स्टेट हर जगह इंटर स्टेट में उनको डांस सिखाया जाए, उन्हें डांस को बढ़ाया जाए। डांस XLRI में आयोजित अंतर स्कूल क्विज प्रतियोगिता में 8 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। XLRI में आयोजित क्विज प्रतियोगिता में कांटे की टक्कर के बाद लिटिल फ्लावर स्कूल प्रथम पुरस्कार एवं 35,000 रुपए नकद, दिल्ली पब्लिक स्कूल को द्वितीय पुरस्कार एवं 25,000 नकद तथा राजेंद्र विद्यालय को 15,000 रुपए के रूप में तृतीय पुरस्कार दिया गया। As they will themselves.